नमस्कार दोस्तों, टुडे ट्रेंडिंग न्यूज़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वायरल वीडियोस और ट्रेंडिंग न्यूज़ से संबंधित अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए मोर अपडेट्स पाने के लिए। खुद के मोबाइल नंबर के अलावा दूसरे के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप की आईडी चलाने के लिए हमको दो ऐप की ज़रूरत होगी, जिसमें पहला है प्रीमो ऐप, जिसका इंटरफेस इस प्रकार का होगा। आप देख सकते हैं, इसमें आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पूछे जा रहे हैं, जिसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद प्रीमो ऐप द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाएगी आपकी मेल आईडी पे। आपको है मेल ओपन करके उसे वेरीफाई करना है। ये देखिए, यहाँ पे प्रीमो ऐप की वेरीफिकेशन मेल आएगी, आपको सिर्फ इसे खोल के वापस बैंक जाना है। वापस बैग जाके अपने प्रीमो ऐप को ओपन करते हैं। प्रीमो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन, साइड में ऑप्शन है थ्री डॉट मेन्यू का, उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे एट फोन नंबर पे अपन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई विदेश कंट्री के अपने मोबाइल नंबर आए हैं। इन मोबाइल नंबर को कॉपी करके आपको बैग जाना है। बैग जाके आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप में आप एक तो व्हाट्सएप का क्लोन वर्जन भी यूज़ में कर सकते हैं इसके लिए, या आपका मेन व्हाट्सएप भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ने जो कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी किए थे, मोबाइल नंबर कॉपी किए थे, उनको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो ही अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो एक ओटीपी नंबर अपन को सेंड किया जाता है। वो ओटीपी नंबर प्रीमो ऐप के द्वारा एक कॉल रिसीव होगा आपको, उसके द्वारा वो ओटीपी नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कॉल आने ही वाला है। ये देखिए, मेरे पास प्रीमो ऐप से एक कॉल आ गया है। मैं इस कॉल को रिसीव करके ओटीपी नंबर का पता लगा के ओटीपी नंबर वहाँ पे डाल के वेरीफाई कर दूंगा। जो ओटीपी नंबर प्रीमो कोड द्वारा मुझे बताए गए हैं वो मैं यहाँ पे डाल के 758788 ये प्रीमो ऐप के वेरिफिकेशन कोड थे जो मैंने डाल दिए थे। यहाँ पे फिर मेरी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ। के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सअप स्टार्ट हो जाता है। व्हाट्सअप स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटिंग्स में जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर विदेश से, शायद विदेश के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर आ जाते हैं। इस प्रकार आप दूसरे नंबर से ये व्हाट्सअप चला सकते हैं, अपने दोस्तों को व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हैं। वैसे कुछ हार्ड नहीं है ये बनाना, एकदम से नॉर्मल है, नॉर्मल तरीका है, इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।